हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष दहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में जब हम लोग मछली पालन करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को हमको फेस करना पड़ता है। तो मैं आज के स्टूडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ कि बरसात के मौसम में क्या क्या दिक्कतें हैं वो हमारे फार्मर भाई को झेलना पड़ता है। सबसे पहली दिक्कत होती है जब आप नए तालाब का निर्माण करवाते हैं दोस्तों, और जब नई नई बारिश होती है, नया नया पानी आप जब अपने तालाब में भरते हो तो आपने देखा होगा कि पानी है वो बहुत ज़्यादा मटमैला हो जाता है। इसका मेन कारण है कि आप जब नए तालाब बनाते हो तो दोस्तों उसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा भुरभुरी होती है, और जैसे ही आप नए पानी आप उसमें ऐड करते हो तो जो आपका पानी है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी उसमें घुल जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा मटमैलापन आपके तालाब में दिखाई देता है। और अगर उन परिस्थितियों में आप नए मछलियाँ तालाब में डालते हैं तो मछलियों में बहुत ज़्यादा मरने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी है वो मछली के गिल में फंस जाती है, जिससे उनका गिल है दोस्तों वो चोक हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि नए तालाब बनाने के बाद आप अपने तालाब के एक लेयर में कम से कम आप थोड़ा सा उसमें पर एकड़ 2 ट्रैक्टर जो मुर्गी का जो खाद होता है दोस्तों, बिना आपके उसमें भूसी वाला प्योर जो खाद होता है उसको कम से कम 2 ट्रॉली ट्रैक्टर आप अपने तालाब में गिराइए बिना पानी डाले। फिर हल्का सा पानी डाल करके उसको आप ट्रैक्टर से उसकी जोताई करवा दीजिए, ताकि एक लेयर आप गाद का लेयर आपके तालाब के बॉटम में जम जाए। फिर आप उसमें अपने जो पानी है उसको भर दीजिए, और थोड़ा सा उसमें फर्टिलाइज़र जो गोबर हो गया, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और फर्मेंटेशन करके आप तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाइए। उसके बाद ही आप अपने तालाब में बच्चे को स्टॉक करिए, क्योंकि जब आप एक लेयर अपने तालाब के बॉटम में बिछा देते हैं दोस्तों तो उससे क्या होगा, पहली बात कि सीपेज नहीं होगी आपके तालाब में, दूसरी बात आपके तालाब में जो मटमैलापन है वो भी आप हल्का सा कम हो जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक भोजन बनाने में भी आपकी मदद करती है। तो अगर वहाँ भी अगर आपका पानी मटमैला हो रहा है तो आप दोस्तों उसमें फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। पर एकड़ आप 25 से 30 किलो फिटकरी को डालेंगे कूट करके, तो उससे आपका मटमैलापन भी शांत हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि सारे टेक्निक को आप बच्चा डालने से पहले इस्तेमाल करिए, ताकि बच्चे डालने के बाद ये समस्याएं आपको फेस नहीं करनी पड़े। दूसरा समस्या आती है दोस्तों आपके तालाब में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, क्योंकि क्या होता है, जो भी किसान भाई अपने तालाब में बाहर से पानी अगर आपके तालाब में आ रही है तो आपको ज़रूर तालाब में आपके बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलती है, मछली में बीमारी लगने के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप बरसात की परिस्थितियों में अपने तालाब में लाल दवा का, पोटाश का, पोटेशियम परमैंगनेट का ज़रूर प्रयोग करिए। पर एकड़ कम से कम 250 ग्राम पोटाश को आप 15 दिनों में एक बार ज़रूर आप एज सैनिटाइज़र अपने तालाब में डालिए। साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि आप महीने में कम से कम एक बार तालाब में चूने का प्रयोग ज़रूर करिए। चूना आपके तालाब में एज अ वाटर कंडीशनर के रूप में प्रयोग होता है, तालाब में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की मात्रा को बढ़ाता है, तालाब की पानी की साफ सफाई में भी मदद करती है, और ओवरऑल आपकी परिस्थितियों के पानी की कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आपको पोटाश और चूने का प्रयोग है वो आवश्यक रूप से करना है। साथ ही साथ जब बरसात की परिस्थितियां होती है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार मछलियां में मोर्टैलिटी मर जो कम से कम 10-20 बच्चे डेली आपकी मछलियां मर जाती है। इसका मेन कारण है दोस्तों आपके तालाब का पानी में टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है, जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मान लीजिए अभी नॉर्मल कंडीशन है, धूप खिला है, लेकिन अगले दिन आपके बादल घिर जाती है, बरसात हो जाती है, जिससे पानी का जो तापमान है वो अचानक से ऊपर नीचे होने लगती है, और बहुत बार ज़्यादा ह्यूमिड आपकी ह्यूमिडिटी होने की वजह से भी बहुत बार मछलियों में हाई मोर्टैलिटी होती है। क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी वाली परिस्थितियों में आपके पानी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है, और मछलियां बहुत ज़्यादा सफोकेशन में तालाब के ऊपर आ करके गैस्पिंग करने लगती हैं और मछलियां बहुत ज़्यादा मरने लगती है। तो इन परिस्थितियों में बरसात के बाद वाले दिन आपको ज़रूर अपने तालाब में नया पानी को चलाना है। अपने बोरवेल को आप उसी तालाब में फिर से पानी को गिराइए शावर के रूप में। साथ ही साथ आप अपने तालाब में अगर एरिएटर है तो ज़रूर आप पानी गिरने के अगले दिन अपने तालाब में एरिएटर को ज़रूर चलाइए।
क्योंकि क्या होता है, अगर आप उन परिस्थितियों में एरेटर नहीं चलाएंगे तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और मछलियों में हाई मोर्टेलिटी आपको दिखाई देगी। तो मछली के मरने से पहले ही आप रेडी रहिए, आप अपने बोरवेल को चालू कर दीजिए, आप एरेटर को चालू कर दीजिए, सुबह कम से कम 6 से 8 के बीच आप एरेटर को जरूर चालू करिए ताकि मछलियाँ हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन है वो मिल पाए। तीसरी दिक्कत आती है दोस्तों आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में टेम्परेचर, पीएच, अमोनिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा। इसका कारण ये है कि आपके तापमान में अचानक भयानक परिवर्तन होने लगता है जिससे अचानक से अमोनिया बढ़ जाएगा, अचानक से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो सभी पैरामीटर्स एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो इसी वजह से आपको अपने तालाब में वाटर टेस्टिंग किट जरूर रखनी है जिसमें आपके टेम्परेचर नापने वाली, आपके पीएच नापने वाली, ठीक है, और अमोनिया टेस्टिंग किट, इन सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट को आप जरूर रखिए और कम से कम 2 से 3 दिनों में एक बार अमोनिया, डीओ और पीएच, इन तीनों पैरामीटर्स को आपको चेक करते रहना है। क्योंकि अगर आपने पानी को पालना सीख लिया, उसके पैरामीटर्स को जान लिया आपने और उसको अच्छे से चेक करते रहिए आप समय समय पर, तो आपके मछलियों को बीमारी, ये सारी संभावना है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है और आपको कभी भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि आप पहले से अवेयर हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए अमोनिया ज़्यादा बढ़ गया तो आप अचानक से उसमें डोलोमाइट या फिर जियोलाइट का प्रयोग कर सकती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो नया पानी उसमें ऐड कर सकती हैं, पीएच बढ़ गया, कम हो गया तो आप उसमें चूने का प्रयोग कर सकती हैं। तो अगर आप समय समय पर अपने पानी को चेक करते रहेंगे तो बरसात में होने वाले जो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी है, बीमारी है मछलियों में, उसको आप बहुत हद तक कम कर देते हैं। तो आप जितना अच्छे से अपने वाटर पैरामीटर्स को चेक करेंगे, उसको जानेंगे और उसको मछली में बीमारी लगने से पहले ही आप उन चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो ये आपके मछलियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। और एक और दिक्कत आती है, अगर आप अच्छे क्वालिटी के बच्चे अपने तालाब में नहीं डालते तो थोड़े से भी कंडीशन के चेंजेस में, मान लीजिए पानी के बाद फिर अचानक से धूप निकल गया या फिर अचानक से बादल छा गया, तो अगर आपके बच्चे उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं तो इन कंडीशन को वो अच्छे से झेल नहीं पाती और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं वो मरती हैं इसी वजह से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब पहली बार ब्रीडिंग कराया जाता है जून के महीने में या फिर जुलाई के महीने में, वो भी बड़े साइज के पेरेंट्स के से जब बच्चे निकाले जाते हैं, उसी को आप अपने तालाब में अप्लाई करिए ताकि जो अच्छे क्वालिटी के बच्चे होंगे वो अलग अलग परिस्थितियों को अच्छे से झेल पाते हैं और आप उसको कम फीडिंग में भी अच्छे से बड़ा कर पाते हो और अल्टीमेटली आपको ज़्यादा झंझट नहीं होता मछली पालन में। क्योंकि अगर आपके बच्चे ही अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं तो आप कितने भी अच्छे कंपनी के फिड खिला लीजिए, उसमें ग्रोथ है दोस्तों वो उस लेवल के नहीं होते जो अच्छे क्वालिटी वाले बच्चे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप पहली ब्रीडिंग की पहली जो फसल अपन लेते हैं उसी वाले जो स्पॉन है उसी को आप नर्सरी तालाब में तैयार करिए और अच्छे से ईयरलिंग बच्चे या फिर फिंगरलिंग साइज के बच्चे ही आप अपने तालाब में छोड़िए ताकि आपके पानी के जो खराब परिस्थितियों में भी जो अच्छे से आपको झेल पाए। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को अगर आप अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली आपको मछली पालन में फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने बरसात की परिस्थितियों में आने वाली दिक्कतें हैं उससे आपको अवगत कराया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।